आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव तख्तपुर आशा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 18 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 5 किलोमीटर है। 2200 वोटों वाले इस गांव की कमान श्रीमती मंजू चौधरी के हाथों में है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। ग्राम प्रधान मंजू चौधरी और सचिव विवेक चौधरी के सहयोग से स्कूलों और साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के तख्तपुर आशा गाँव ग्राम पंचायत। यहाँ प्रधान द्वारा आप तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान पति के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल यहाँ आपकी पत्नी जो कि प्रधान है, उनके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं। क्या क्या विकास कार्य अब तक आपने करवाए हैं यहाँ? मैंने सीमेंट सड़कें बनवाई जी, सीसीटीवी जी, और नाली बनवाई जी, और आवास भी बनवाए हैं। कितने आवास यहाँ बने हुए हैं? आवास लगभग 9-10 आवास हो गए। ODF हो गई ग्राम पंचायत, वो ODF हो गए। 350 शौचालय बनवा दिए जी, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई। कूड़ेदान भी लगवाई। सरकार की जो योजनाएं केंद्र सरकार की चलती है, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इसका लाभ गांव में सभी को मिला है? हाँ, इसमें जो फ्री कनेक्शन वाले उज्ज्वला कनेक्शन, ये सभी लोग लगभग सभी को मिला, सभी को मिली। किसानों के खाते में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, वो कितने परसेंट लोगों का यहाँ? 10% लोगों का आया है पैसा, 90% लोगों का नहीं आया। कुल 10% लोगों का पैसा आया, 90% नहीं आया, ऐसा इसका क्या कारण? लोगों ने बैंक खाते भी जमा किए, आधार कार्ड भी दिए, लेकिन कभी आधार कार्ड में कमी आ जाती है और दोबारा आधार कार्ड लेने के लिए आती है। मतलब कुछ ना कुछ कागज में, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा नहीं आया। आपने अपनी तरफ से कोशिश जो है की है इनके, ताकि इनका पैसा आए? आपने कोशिश करी है, पहली बार लेखपाल साहब से की है, ब्लॉक में की है, और लिस्टों में उन्होंने दोबारा भी, मैंने कागज जमा करके दोबारा भी भेजी है, अभी पैसा आया नहीं। स्कूलों में जो सौंदर्यीकरण का कार्य है, वो आपने मतलब कहाँ तक करवा दिया है कार्यक्रम के अंदर? सौंदर्यीकरण मैंने काफ़ी करा दिया गांव में, मैंने जो है स्कूल में काफ़ी काम कराया, और CCTV भी बिछवा दी, कमरों में भी CCTV लगवा दी, और नल की व्यवस्था, वो टोटी वगैरह, पानी की व्यवस्था भी लगवा दी, सब मैंने सारी सुविधा करा दी। सरकारी बिल्डिंग में या स्कूल के अलावा 12 घर पंचायत भवन ये बने हुए हैं? पंचायत भवन भी है, आंगनवाड़ी भी है। आंगनवाड़ी में मैंने जो CCTV टेस्ट पुछवाई थी जी, हाँ, 12 घर नहीं है यहाँ पर, पंचायत पर है जी। तो शमशान घाट कब्रिस्तान ये है? शमशान घाट नहीं है, मैंने मांग बहुत की है वैसे अधिकारियों से, अधिकारियों साहब से मांग की है, लेकिन प्रस्ताव भी भेजे हैं, अभी तक कोई स्वीकृति नहीं आई, इसमें कोई स्वीकृति नहीं आई है। तो अब यहाँ पर अपने गाँव में शमशान भेजी नहीं जी, मतलब अभी तक आपको शमशान बनाने की या किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य होने का आश्वासन या कोई स्वीकृति अभी तक आपको नहीं मिली है? 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने शमशान घाट, शमशान किसी प्रधान को न दिए जी। नहीं, कई कई जगह ऐसा है कि प्रधान निधि से भी शमशान घाट बनवाए गए हैं, प्रधानमंत्री द्वारा बनवाया गया है, तो ऐसा क्या यहाँ ग्राम समाज धनराशि नहीं आती, जो का हम प्रधानमंत्री योजना सब खत्म है, जो पहले सरकारों में योजना एक गांव योजना में आया करता था और उसमें विकास होता था, वो योजना सरकार ने खत्म कर दी, अब नई योजना कोई लागू नहीं की है सरकार ने, यार अंतोदय कर दिया बदले में, तो अंतोदय में कोई विकास दिया नहीं। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो संतान होना चाहिए हमारे गांव में, लेकिन सरकार संतान देगी नहीं, उम्मीद नहीं है, जब अब तक 4 साल होना दिए तो 5 साल, लेकिन आपकी कोशिश जो है निरंतर जारी रहेगी? हाँ, कोशिश तो साहब बहुत जारी है हमारी, पूरा गाँव हिंदू आबाद, लेकिन संतान होना चाहिए और गाँव में जो योजना आना चाहिए। लखनऊ से कोई कितने परिवार कोई गांव चयनित होकर आती हैं, जिनमें विकास हो गया है, जो अम्बेडकर में आ चुके हैं, जो लोहिया में आ चुकी हैं, जो 2018 में जो 2018 में जितना विकास हो गया उन गांव में योजना के तहत,
उनका उन गांवों को चयन हो जाते हैं, वो चयन हो जाते हैं जिनमें विकास कम से कम है, वो गांव उस गांव में कोई योजना नहीं दे रही। जी हम आपकी तरफ से, हम भी सरकार से जो है निवेदन करते हैं कि गांव में जो भी समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखकर वो जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें, या कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, स्वीकृति नहीं मिल रही है, तो उसके लिए सरकार जो है शासन या प्रशासन आपको यहाँ शमशान घाट बनानी है, और जो भी समस्याएं हैं उसके लिए स्वीकृति यहाँ पर आपको मिले। हमारी भी कोशिश पूरी रहेगी, हम अपने जरिए सरकार तक आपकी बात पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर कितने परिवार ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? आवासों की जरूरत तो मैंने लगभग 50 या 60 आवास लिख के भेजे प्रधानमंत्री आवास योजना में, और कुछ मैंने मुख्यमंत्री योजना में लिख के भेजे, सूची बनाकर भेजी। कुल परिवार कितने यहाँ होंगे? हैं लगभग 20-25 परिवार तो ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारा पात्र गलत ज़्यादा ही खराब करता है, लेकिन बस उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री योजना की जो आवास आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योजना की आवास नहीं आई सरकार ने। ग्रामीण ग्राम पंचायतों का तो विकास ही होगी सरकार ने आवास दे रहे हैं। ग्राम पंचायत यहाँ अब ये बीमारी का इतना प्रकोप फैला हुआ है, महामारी ऊपर से कोरोना वायरस वगैरह जो भी बीमारियाँ फैली हुई, इसके लिए आपने अपने स्तर पर कोई व्यवस्था यहाँ गाँव में साफ सफाई की है, जैसे दवाई वगैरह का छिड़काव वगैरह करवाया है गाँव में? नहीं, कोई पैसे नहीं आया सरकार को, धनी ने धनराशि नहीं दे रही जो हम विकास करा रहे हो। अपनी तरफ से हमने साफ सफाई की व्यवस्था वैसे गांव में कैसी है? साफ सफाई की एक सफाई कर्मी लगा दिया, तो वो सफाई कर्मी पूरे गांव में डील नहीं हो पाता उसमें, लेकिन हाँ अपने पास से अपने स्तर पर आप अपनी तरफ से सफाई कर्मी नियुक्त करके और करा सकती हैं जी हाँ। इमरजेंसी में हमने बैठक करके भी गांव वाई से गांव वालों से कही है, कोरोना का थोड़ा बोल लोगों को आपने अपनी तरफ से काफी जागरूक किया है। हाँ। कि साफ सफाई रखे ताकि बीमारी प्रचार किया कि इससे थोड़ा बचाव रखो गंदगी से भाई बीमारी फैल जाए। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 सालों में यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवाज भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, स्कूल में भी मिशन कायाकल्प के अंतर्गत काफी हद तक सौंदर्यकरण करवाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं यहाँ ऐसी हैं जिनसे लोग आज भी जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर यहाँ निर्मित नहीं है, और सबसे प्रमुख समस्या जो यहाँ पर प्रधान द्वारा बताया गया है शमशान घाट को लेकर है। कई बार उन्होंने यहाँ इसका प्रस्ताव भी रखा है, मांग भी रखी है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई, कोई भी कार्रवाई, कोई भी स्वीकृति यहाँ शमशान घाट को बनाने को लेकर नहीं मिली है। अशरफ अली के साथ मैं 24 से।